हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है 22 अगस्त संडे का दिन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये है मेरी भाभी, दीवार पे बना रही हैं ये रंगोली, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हम लोग की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी तरह से होती है। दीवार पे हम लोग सीताराम करके लिखते हैं और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। ये जो बनाते हैं ये गेरू से बनाते हैं, क्योंकि मुझे इतना इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं बनाया जाता ये सब, और यहाँ पे बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से बनाया जाता है ये। और फिर उसके बाद इसकी पूजा की जाती है मीठे जवों से और जल के साथ। तो आप ये देखिए, ये पूजा हो रही है यहाँ पर। और मेरी भाभी मम्मी से पूछ रही थी, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है अभी इतना, तो घर के जो बड़े होते हैं वही ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी तरह से पूजा होती है और उसके बाद जो है आगे का प्रोग्राम जो है वो चलता है। तो यहाँ पे भाभी कर रही हैं पूजा और हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसके बाद जब हम तैयार हो जाएंगे फिर हम बच्चों को उठा देंगे, फिर उनको भी तैयार कर देंगे, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। वो सभी को पता है बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करने देते हैं। तो बस यहाँ पे हमने कर ली राखी की तैयारी, ये प्लेट लगा दी है। अब बच्चे यहाँ पर तैयार होके, ये परी राखी बांध रही है। ये है मेरी बड़ी बहन का बेटा, और जो पीछे है ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी एक ही है। खिला तो सोचा सबसे पहले बच्चों का काम करा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चे खेलने कूदने में लग जाते हैं, तो इसलिए इनका काम पहले करा दिया। अब वो दे डब्बा। और ये बच्चे जो होते हैं ये एक्साइटेड भी होते हैं सब चीज़ों के लिए। हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। बाल मंगा ली पापा, साल मंगा लियो, ये यहाँ पे भाई की बेटी भी राखी बांध रही है। यहाँ पे बच्चों ने राखी बांध दी है, अब यहाँ पे हम बांध रहे हैं, क्योंकि टाइम चाहे कितनी जल्दी काम कर लो टाइम हो ही जाता है। तो ये है मेरी बड़ी बहन जो राखी बांध रही है, ये मेरठ में रहती है, और इनका एक ही बेटा है जिसकी परी ने राखी बांधी थी। और ये है मेरी भाभी जो आपने स्टार्टिंग में देख भी लिया है। और ये है मेरी छोटी बहन। हम लोग तीन सिस्टर्स हैं, तो बड़ी बहन को भी आपने देख लिया, छोटी को भी देख लिया, और मुझे तो आप जानते ही हो। और अब मैं लास्ट में बांध रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी थी रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में राखी बांधी। तो भाभी के राखी बांधने के बाद अब मैं बांध रही हूँ अपनी भतीजे के राखी, क्योंकि उसे बहुत शौक हो रहा था कि बुआ पहले मेरे राखी बांधो, क्योंकि इसकी राखी हमने नहीं बांधी थी अभी तक। और बच्चों को होता भी यही सब चीज़ देखकर उनका ही मन होता है कि पहले मतलब ये काम हमारे साथ भी हो। तो फिर मैंने उसकी राखी बांध दी थी, और ये दिखा रही है कि मतलब मेरे को ये वाली राखी चाहिए, ये वाली राखी मुझे बांधनी है। तो फिर मैंने उसको वो वाली राखी बांध दी थी जिसने वो बोल रही थी बांधने के लिए। Thank you.
और यहाँ पे मैं सिर्फ खा रही हूँ रसगुल्ला, से बहुत शौक है मीठा खाने का। और ये है मेरी चाची की लड़की, अब ये राखी बांधती है क्योंकि आज के दिन बहुत तेज़ बारिश आ रही थी तो ये लोग नहीं निकल पाए थे अपने घर से। तो आई थी ये लोग 12 बजे करीब आए हैं और भाई को जाना था अपने ससुराल में, तो फिर वही है जल्दी जल्दी काम किया सारा। और उसके बाद हम लोगों ने किया अपना लंच क्योंकि 12 बज चुके थे, और ये बनाया था हमने लिट्टी चौका। इसकी रेसिपी मैं आपको पहली वीडियो में दे चुकी हूँ तो इसलिए मैंने कोई भी इसकी रेसिपी नहीं शेयर की आपके साथ। और शाम हो चुकी है, थोड़े से बर्तन थे वो हमने साफ़ कर दिए थे, साफ़ कर रही हूँ किए नहीं है। और मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, होता भी है जब हम दूध रखते हैं उबलने के लिए तो सारा ध्यान हमारा वहीं जाता है, तो मैं वही चीज़ देख रही थी बार बार कि दूध निकल ना जाए। होता है कि जब हल्की सी नज़र हटते ही दूध निकल जाता है, तो मैं वही देख रही थी दूध निकल ना जाए। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं दूध उबालती हूँ तो मतलब मैं गैस के साथ गैस के पास नहीं खड़ी रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं दूसरा काम भी कर लूँ इसी बीच में। तो मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी और दूध भी देख रही थी कि दूध निकल ना जाए, तो बस क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर बर्तन भी साफ पनीर बनाना था मुझे, तो इसलिए यहाँ पर बर्तन साफ हो चुकी है। दूध है वो भी उबल चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें नींबू, जिस तरह मैं बनाती हूँ पनीर, तो ये मैंने नींबू डाल दिया इसके अंदर और जो है दूध हमारा अच्छी तरह से फट जाएगा। और यहाँ पे जो दूध फटा हुआ है उसको मैं कपड़े में छान रही हूँ। तो यहाँ पे दूध छन चुका है, और जो पनीर बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। उससे दो तीन बार हम लोग पानी में साफ़ करते हैं ताकि जो खटास है या नींबू का जो हल्के हल्के छिलके होते हैं वो इसमें ना आए। हालांकि मैंने जो नींबू का जो रस होता है वो मैंने छान के डाला था, फिर भी मुझे लगता है कि महक ना आए नींबू की, इसलिए मैं दो तीन बार अच्छी तरह से उसे धो देती हूँ ताकि पनीर हमारा अच्छे से बन भी जाए और स्मेल भी ना आए और सब लोग खुश होकर खा भी लें। और हल्की हल्की सी जो मलाई होती है, जो पनीर था हमारा वो भगोन में चिपक रहा था, तो वही मैंने स्पून से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो उसको मैं निकाल दूँगी और दो तीन बार अच्छे से इसको धो लूँगी ताकि जो हमारा पनीर है वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी नहीं बनानी, मैं भुजिया बनाती हूँ और मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं धो भी रही हूँ पनीर को, पनीर तो ही बनानी है, जो हमारा दूध फटा है उसको मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ ताकि कोई भी स्मेल नींबू की ना आए। और अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे कपड़े में लपेट के रख दिया है, जिसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा, कुछ भी हैवी चीज़ होगी उसके ऊपर हम रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। तो मैंने इसके ऊपर बेलन रख दिया है, चकला बेलन जो होता है, और उसके ऊपर तया रख दिया है ताकि अच्छे से बन जाए। और शाम के टाइम मैं परी को बाहर लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा घूम लेगी क्योंकि घर में बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ये शाम के टाइम साइकिल चला रही है। बच्चों को होता भी है, जब बच्चे घर में रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो इसने कहा था मम्मी मुझे साइकिल चलानी है, तो थोड़ी देर में बाहर आ गई थी क्योंकि किचन का काम कंप्लीट हो चुका था। बस मुझको पनीर बनाना है और उसके बाद बच्चों की डिमांड होगी मैक्रोनी बनाने की, तो उसकी भी तैयारी करेंगे अब। तो परी को साइकिल चलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो तेल डालने के बाद, मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि पनीर जो है वो अपना तेल जो घी है वो खुद छोड़ता है, तो इसलिए मैंने कम डाला है। और दूसरी कढ़ाई पे मैंने तेल रख दिया है क्योंकि एक कढ़ाई पे मैं बना रही हूँ पनीर और दूसरी पे बनाऊँगी मैक्रोनी। तो इन पे जो प्याज होने के बाद जो हम लोग डालते हैं मसाले, टमाटर,
होने के बाद जो मसाले नॉर्मली डालते हैं मैं वो डालूंगी अब। यहाँ पे प्याज टमाटर होने के बाद जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं धनिया मिर्च हल्दी नमक मैं वही चीज़ डाल रही हूँ। ये है देगी मिर्च क्योंकि इससे कलर आ जाएगा और बच्चों को तीखी भी नहीं लगेगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मसाला होने के बाद मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दी है और दो तीन मिनट इसे ढक के रखूँगी और उसके बाद हमारी मैक्रोनी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट पहले ये काम किया और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। तो यहाँ पे पनीर की भुजिया भी बन चुकी है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने राखी के दिन खिंचाए थे। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।